हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूनिया आईएएस। गाइस, आज इस वीडियो में हम मेंस 2022 के लिए जो क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट जीएस पेपर 2। ओके, इफ यू हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स, अच्छे मार्क्स बन रहे हैं आपके जीएस 1 में एंड जीएस 2 में भी, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मेंस में अच्छा स्कोर करें, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। सो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या है। ओके, वेरी सिंपल, पहले दो चीज़ें एकदम सिंपल बता देती हूँ। इस प्रोग्राम में हम स्टैटिक और करंट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जीएस पेपर 2 के। पॉलिटी हो गया इसमें, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया एंड आपका सोशल जस्टिस हो गया। ऑल दीज फोर सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन जस्ट 50 आवर्स। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स एकदम मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए जाएंगे। नाउ ये जो क्रैश कोर्स है ना, उसके फीचर्स देख लेते हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। नाउ व्हेन यू गो इन द एग्जाम, मेंस वाला एग्जाम, और आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले तो यू विल नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड देन रेलेवेंट कंटेंट लिखना है आपको। सो इस वीडियो कोर्स से आपको जो नेसेसरी कंटेंट चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर 150 टू 200 वर्ड्स वो मिल जाएंगे। एनालिटिकल डिस्कशंस होंगे, इन सब का मैं आगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूँगी, बट अभी के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ बर्ड आई व्यू। ठीक है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए आपको हर एक आंसर के लिए, है ना। यू कैन नॉट गो इन वन ट्रैक। पूरा कवरेज सिर्फ 50 आवर्स में हो रहा है, विच विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग। ऑल दीज थिंग्स विल बी ओनली एंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। नथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ईच एंड एवरी वर्ड डिस्कस्ड इन द कोर्स इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। नाउ व्हेन यू राइट द आंसर, यू विल नीड डेटा, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स। इवन दीज विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। सो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कवर नहीं हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आपको पूरा एक इतना अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, आप जीएस 2 की तैयारी जो है मेन्स की आराम से कर सकते हैं। यू कैन 100% रिलाई ऑन दिस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बिल्डिंग नेसेसरी कंटेंट, सी फॉर एग्जाम्पल 2021 के अगर क्वेश्चंस देखें, देयर वर क्वेश्चंस ऑन प्रेशर ग्रुप, है ना, नीड ऑफ वीमेन इन जुडिशियरी। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड 150 to 250 words एंड दिस कोर्स विल गिव यू द रेलेवेंट कंटेंट फॉर एवरी टॉपिक। ओके, नाउ व्हेन आई से एनालिटिकल डिस्कशंस, सो यही देख लेते हैं, नीड ऑफ वीमेन इन जुडिशियरी। ओके, तो नीड जब बात करेंगे तो देर इज़ अ सोशल काइंड ऑफ अ नीड, है ना, देर इज़ एन इंस्टीट्यूशनल नीड। ओके, फिर अगर चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, देन द चैलेंजेस विल ऑल्सो बी सोशल, इंस्टीट्यूशनल, मे बी पॉलिटिकल, मे बी इकोनॉमिकल। सो वंस यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो आंसर्स है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आप लिख पाओगे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अभी मैंने बताया आपको कि अलग अलग चीज़ें डिस्कस होगी। सो बहुत सारे आंसर्स होते हैं जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। कुछ आंसर्स में स्टेक होल्डर्स अप्रोच आते हैं, प्रोबेबली गवर्नेंस वाले में ये अप्रोच ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं पे वो पेस्टल अप्रोच यूज़ करते हैं। सो ऑल दिस इज़ व्हाट आप बाकी सारे, है ना, सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो इंटरलिंक कर रहे हो एक टॉपिक से एंड देन यू आर पुटिंग योर आंसर्स। सो ये जो मल्टी डायमेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है ये एक इनकलकेट होगा आपके अंदर। नाउ टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो वी आर डूइंग वेरी रेलेवेंट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस एंड दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग इट इन जस्ट 50 आवर्स, है ना। एज आई सेड, रेलेवेंट एंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, नथिंग एक्स्ट्रा, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड एक्स्ट्रा विल बी डिस्कस्ड टू कीप यू फोकस्ड। To substantiate your points, lot of data, lot of examples and facts will be discussed along with the analytical points. है ना, analysis कैसे होगा, कोई data है आपके पास, example है, उसी के base पे you will be able to produce points, और points exam में भी चाहिए होते हैं to substantiate your point.
So this also will be a part of the course and it will really help you write wonderful answers जहाँ पे आप अच्छा score कर पाओ relevant answers. Now the burning point. When is the course starting? The course starts from 17th of June. Okay, 17th of June से ये course start हो जाएगा. 50 hours में we will cover all four subjects. That is the entire GS2 paper and you can 100% rely on these books like any other senior source. आपको बहुत ही help हो जाएगी and अगर आप अच्छे marks लाना चाहते हैं अपने GS में then this is the program for you. Thank you very much guys.